पीछे पीछे जरा लीजिए भाई, बना बना कोडी, ये रही मेरी कोडी भाई और ये रही हमारे बाबा की दादा। सवेरे रेडी हो चुके हैं और यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल एलो छोटी सी रानी अन्ना की कहानी में आज आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अभी हम हैं केदारनाथ में और अभी सवेरे के बज रहे हैं 5:30 और हमारी जर्नी होती है यहाँ से स्टार्ट। यहाँ पे क्यूटी पाई भी रेडी हो चुकी है और दादी जी भी रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पे हमारी गाड़ी भी रेडी हो चुकी है, तो निकलते हैं फिर आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। सवेरे रेडी हो चुके हैं और यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं, है ना किरी? किरी बाय। मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं ना? तो अगर आपने पहले से ही हेली सुविधा ली है तो आप लोगों को फाटा सिरसी से काफ़ी जगहों से आपको हेली सुविधा मिल जाती है और आपका रजिस्ट्रेशन आपके फॉर्म में लिखा होता है। तो हम लोगों का भी था सिरसी से और वो भी क्रिस्टल हेलीपैड से, तो हम लोग अपने हेलीपैड्स पर क्रिस्टल हेलीपैड पर पहुंच चुके थे और हम लोगों की टाइमिंग थी 6 to 9 AM। तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना था क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुँचे थे और उसी के साथ फिर यहाँ पर हमने तब तक क्यूटी पाई को दूध वगैरह पिलाया और मम्मी जी को भी चाय वगैरह पिलाई क्योंकि सवेरे सवेरे का टाइम था और यहाँ पर से हिमालय व्यू देख सकते हैं। तो वेट करते करते हम लोग काफ़ी ही लेट हो चुके थे, हमें 7:30 हो गया था और हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे 6 बजे के। और फिर क्या था, हम लोगों का जैसे ही नंबर आया तो उसके बाद का मनोरम दृश्य तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही करूँगी। उसी के साथ यहाँ पे से भी आप लोग देखिए कि यहाँ पे से भी कितना प्यारा दिख रहा है। तो चलिए और मिलते हैं केदारनाथ। हम लोग पहुँच चुके हैं केदारनाथ धाम और 2 दिन पहले यहाँ पे बर्फबारी काफ़ी हुई थी तो अभी इतनी ही बर्फ यहाँ पर बची हुई थी और यहाँ पर मम्मी जी फोटोशूट कर रही है और पाई और पापा पहले ही पहुंच चुके थे तो वो हमारा वेट कर रहे हैं। और देखिए हम भी आपको आगे का दिखाते हैं, जहाँ जहाँ पे भी हमारी शूटिंग अलाउ होगी वहाँ वहाँ हम आप सभी लोगों को दिखाएंगे। और ये नॉर्मल लोगों की यात्री की लाइन लगी है और हेली और VIP दर्शन के लिए अलग से होते हैं तो हम लोग इसके लिए जा रहे हैं। मेरी केटी पाई मेरा वेट कर रही है, तो चलिए मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह रास्ते पे और जिससे हमें करवानी डोली वो भी करवा सकते हैं और मेरी क्यूटी पाई और डैडी भी साथ में है और यहाँ पे हम और क्यूटी पाई की दादी भी यहाँ पे है और यहाँ पे शॉप्स भी काफ़ी बहुत सारी हैं, प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ से। कोडी, ये रही मेरी कोडी भाई और ये रही हमारे बाबा के दादा। भोले के दरबार में हम लोग पहुँच ही गए आखिरकार, चलिए दर्शन करते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। पूरे दर्शन होने के बाद और ये है भीमशिला और पीछे रहा हमारा केदारनाथ, इसी की बदौलत रोका गया था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे चॉकलेट स्माइली, सभी लोगों ने यहाँ पे फोटोशूट कराया। हिमालय इतने सुंदर और अभी ही भीड़ है इस टाइम पे भी। और ये देखिए त्रिशूल और बहुत ही बढ़िया। और अब जा रहे हैं हम भैरवनाथ से, किसकी यहाँ से लगे साथ तो जितने भी शंकर के मंदिर हैं उन सारे उनके इनके साथ में यहाँ पे करी हुई है। मूर्ति ऊपर नहीं निकाल रहा है, निकाल के क्योंकि मंदिर से ऊपर दिखती है इसलिए मूर्ति नहीं नीचे दी। अरे
चलो वहीं चलो चलो कहाँ से कुमाऊँ बेटा फोटो ले पीछे को मोड़ बड़ा ले केदारनाथ करने के बाद हम जा रहे हैं भैरव मंदिर, इसके लिए थोड़ा बहुत चलना है। और यहाँ पे मम्मी जी की स्माइल आप देख ही सकते हैं कितना खुश है। और यहाँ पे कल कल करती बहती नदी, और मेरी केटी भाई और उसके पापा जा रहे हैं काओ के साथ। ये जहाँ भी जाते हैं इनको एक काओ मिल जाती है जिसके साथ ही चलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ से देखिए मनोरम दृश्य, बहुत ही सुंदर मनमोहक। और पिता और पापा तो मिलते हैं आपको भैरव मंदिर पे। ऐसे श्री केदार का मनोरम दृश्य, और यहीं पे रहती हुई। और जाते जाते ये लोग थक गए थे तो ये थोड़ा सा बैठ यहाँ पे। और हिमालय देखिए कितने पास है, इसलिए तो इस वीडियो से आपको आइडिया आ जाएगा कि भैरव मंदिर कितनी ही ऊंचाई में है, क्योंकि देखिए इतने नीचे केदार बाबा का मंदिर था और फिर उसकी ही ऊंचाई पे यहाँ पे भैरव का। और यहाँ पे आते आते काफी ही खड़ी चढ़ाई है, एक किलोमीटर समथिंग है, लेकिन खड़ी चढ़ाई इतनी है कि सांस फूलती है। और ऊंचाई पे आते आते ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए यहाँ पे आने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने फटाफट यहाँ पे करे दर्शन और थोड़े बहुत फोटोशूट करे। और केटी पाई को देखे कितना प्यारा दृश्य पीछे देखे बादलों के साथ, और फिर नीचे उतरते समय केटी पाई को डैडू लेके आए अपने कंधे में, क्योंकि नीचे उतरने में काफ़ी ही नीचे था और काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी, तो इस वजह से उसको पीठ में लेके आए उसके पापा। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा व्यू है, अगर कोई यहाँ पे स्टे करना चाहता है तो स्टे भी यहाँ पे कर सकता है। तो देख मिलते हैं नीचे बाबा के। तो इसी के साथ यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ हो चुकी है, हमारे सवेरे के दर्शन थे बहुत अच्छे से हुए। और श्री केदार बाबा बोले दर्शन हमें बहुत ही अच्छे से हुए, और छोटी पाई ने भी हमारा पूरा साथ दिया, छोटा बच्चा था जैसे। और भीड़ इतनी थी देख सकते हैं कैसी धक्का मुक्की है, लेकिन फिर भी हिमशिला तो अजी हम काफ़ी ही अच्छे दर्शन के लोगों को पता है
पता है वैसे जितने लोग एग्जिट पर खड़े हैं इनको ये आप लोग हो, आप लोग लाइन पे रखे हैं सब लोग, जय बाबा। ये भी लोग एग्जिट गेट पे खड़े हैं, ये लाइन पे चले गए। ये राकेश तो केदारनाथ में जिस दिन हम पहुंचे थे काफी ही धूप थी, लेकिन ठंड उतनी ही थी क्योंकि उसके पहले दिन ही यहाँ पे बर्फबारी हुई थी। और जब बर्फ पिघलती तो आप लोगों को भी पता है कि धूप चाहे कैसी भी हो लेकिन ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो आप लोगों को हमारे कपड़ों से आइडिया हो ही रहा होगा, तो जो भी यहाँ पे जाए वहाँ पे गर्म कपड़े ही लेके जाए क्योंकि ये सबके लिए ही फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर ठंडा लग गया तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए हम लोग तो पैक्ड थे और हम लोगों का सफर काफी ही अच्छा रहा और दर्शन भी हम लोगों को काफी ही अच्छे हुए, जो आगे आप लोगों को मम्मी भी बताएंगी। तो यहाँ पे देखते हैं कितना प्यारा व्यू है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें हमारा हेली हमारा वेट कर रहा था तो हम लोगों को नीचे भी उतरना था। तो क्यूटी पाई और मम्मा यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो शूट हो रहा है और देखिए मम्मा कितना खुश है। तो यहाँ पे केदारनाथ पे मम्मी जी को कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, बाबा केदार के दर्शन हुए आज और हमने लगातार पंचप्रयाग पंचकेदार और उसके बाद आज ये लास्ट में हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर आए और बहुत भीड़ है और ईश्वर की अनुकंपा से हमें वीआईपी दर्शन हुए और हेली का समय भी अब हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर हमने बहुत बढ़िया तरीके से अपने बेटे बहू और पोती के साथ यहाँ पर आई हूँ। बाबा जी की असीम कृपा है भोलेनाथ की और मैंने ये कहा कि हर साल यहाँ पर बुलाते आए और इस उत्तराखंड इस देश की सुख शांति की कामना की और सभी की मनोकामना पूर्ण करें और बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत अच्छा मौसम है आज, आप देख सकते हैं हमारे सुबह 9 बजे दर्शन हुए, आपने देखा होगा पूरा हिमालय जिले बादल छा रहे, सुबह का सीन बहुत ही रमणीय स्थान है, रमणीय सीन का सुबह बहुत सुंदर। कुछ लोग भैरव मंदिर के लिए शॉर्टकट ले रहे हैं, ये देखिए शॉर्टकट लिया हम लोगों ने और यहाँ पे हम लोग भी अब अपने हेली के लिए जाते हैं और मिलते हैं अपने स्टॉप। इस वक्त हम सामने देखिए भैरव मंदिर के नीचे खड़े हैं और आप देख सकते हैं सामने केदार बाबा का हिमालय घाटी पूरे बादल आ चुके हैं और हमारे हेली सवारी भी आ चुकी है और अब हम बादल आप देखिए शाम तक यहाँ पर बर्फबारी होने की पूरी आशंका दिखे, ऊपर काले बादल और सफेद बादल सारे आ रहे अपने आगोश में लिए हुए के बाद हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं हेली का। जैसे पहले हर 5 मिनट में आ रहा है के साथ। अब हमारा बोर्डिंग भी आ चुका है और हमारा नंबर आ चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं, अब हम उतरने वाले हैं केदारनाथ से। और अभी शाम का नज़ारा भी यहाँ पे देखिए कितना सुंदर है, जो सवेरे का नज़ारा था वो अभी चेंज हो गया है।
तो यहाँ पे आप सभी लोग देख ही सकते हैं, धूप के जाते ही कितनी ही ठंड बढ़ गई है। सब लोग हम लोग पैक्ड हो गए हैं, क्योंकि अगर थोड़े से भी बीमार हो गए तो हम बद्रीनाथ के लिए थोड़ा बहुत लेट हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग पूरा पैक्ड हो चुके हैं और अपनी हेली का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का बोर्डिंग यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर सब लोग काफ़ी ही खुश है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी वेट करा, क्योंकि टाइमिंग थी, लेकिन उसके बाद भी हमें दर्शन वगैरह सब अच्छे से करने थे। तो हम लोगों ने पूरा पूरा इंजॉय करा और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का लंबा भी आ चुका है। मास्क लगा के बिल्कुल देखिए, अब दादी भी आ गई है इनकी। तो इतने मजे कर रहे हैं दोनों जने, और पीछे देखिए प्यारा सा देखिए सुंदर से पहाड़ में। हेली के भी शॉर्ट्स मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर करा, और इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी कार के पास। और वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट करिएगा। तब तक के लिए जल्दी मिलती हूँ एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ, क्योंकि हमने चार धाम एक साथ करे हैं। तो जल्द ही आप लोगों के साथ नई वीडियो आएगी, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें।